मैं अगर पावर में आऊं ना, इक्तदार में आऊं, तो या मैं अपने लिए पैसा बना सकता हूं या मैं अपनी कौम के लिए पैसा बना सकता हूं। दोनों नहीं हो सकता। अगर ये मैं सोचूं कि मैं अपने लंदन में बड़े बड़े महलात खरीदूंगा और कौम भी तरक्की कर जाएगी, ऐसे होता नहीं है। जिन जो भी कौमें तरक्की की है, उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की। महातर मोहम्मद, उसने कोई लंदन में फ्लैट नहीं, उसका उसके कोई मुल्क से बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसके बच्चों की बिजनेसेस बाहर नहीं है, वो वही मलेशिया में रहा, उधर ही रहा, उस मलेशिया को उठा के कहां से कहां ले गया। उसी तरह सिंगापुर का ली क्वान यू, उसने सिंगापुर को उठा के कहां से कहां ले गया, अमीर तरीन मुल्क बन गया सिंगापुर उसके होते हुए। लेकिन उसकी कोई बाहर मेफेयर लंदन के सबसे महंगे में उसकी कोई जायदादें नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, उनके बच्चे बाहर नहीं है। तो ये होता ही नहीं कि एक आदमी मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाए और समझे कि मुल्क तरक्की करेगा।